boy comes back again for ya. Catch me if you can. Metal runs, they say. Genre, metal history. Kara, Virgil, like the do make ya karu, make ya karu. Gali lagi salme. Gali log, gali log salme. Ruk. चाइना में कब से तेरे को बोल रहा हूँ गाड़ी रोक सुनता नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. गाड़ी के पेपर्स? वो भी नहीं. डिक्की खोल. डिक्की में क्या? मेरे एक दुश्मन की लाश. लाश? कहें? आपका ड्राइविंग लाइसेंस. गाड़ी के पेपर्स? ये. क्या हो रहा है पीछे? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या सर? आई एम सॉरी सर. दरअसल हमारे एक बेवकूफ से हवलदार ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी गाड़ी में लाश है. आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है. ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उस बेवकूफ हवलदार ने आपको ये भी कहा होगा कि मैंने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा था. ओए, तुम काम वाली भाई कम और फैशन वाली भाई ज्यादा लगती है. और तू घर वाले बाप कम बाहर वाले बाप ज्यादा लगता है. घर में टिकता ही नहीं है. बस कर रही. अरे तू फिर शॉपिंग कर रहा है? डैडी तो डिस्काउंट पे था 50%. अरे फ्री में तो नहीं है ना? नहीं, इसमें 50% फ्री है. बाय वन गेट वन फ्री. तू सीरियस कब होगा? डैड मैं आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. ये टैटू देख रहे हैं? है ना फैंटास्टिक. एक और है. बट आई कांट शो यू. आई एम सॉरी बॉबी. देख, मैंने 25 साल दिन रात मेहनत करके रुपया कमाया और तू सारा रुपया शॉपिंग मॉल वालों को देके आ रहा है. मेरा रुपया उस टैटू पर लगाए जो नजर भी नहीं आता. हुश. बट आई एम यू. आई एम टुडे. तूने कल के बारे में सोचा है? डैड, आज तक कल किसी ने देखा है? हाँ, गांधी जी ने देखा था, धीरूभाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था. वाओ, गुड फॉर देम. बॉबी, 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 मुझे लगता है जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक तू सीरियस नहीं होगा. डैड, आई एम एंजॉयिंग माय सिंगल स्टेटस. नो इमोशन, नो अटैचमेंट. एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट. ठीक है, तू एंटरटेनमेंट कर अपने दम पर. तो ठीक है, आज से मैं अपने दम पे एंटरटेनमेंट करूंगा. ओह वेरी गुड. तो इसका मतलब है कल से तू मेरा हाथ बटाएगा मेरे बिजनेस में. ना, बिजनेस तो आपका है और मैंने अपने दम की बात की है. हाँ, तो कुछ दिनों के लिए फ्री हैंड दीजिए मुझे. ये लीजिए अपनी कार की चाबी. घर छोड़ने से पहले मां के पांव तो छू लूं. बॉबी, अरे मैंने शादी करने के लिए बोला है. अरे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा. तो मैंने भी कुछ दिनों की एंटरटेनमेंट की बात की है. एंटरटेनमेंट? बॉबी, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं. जा बेटा जा, बड़ा आदमी बनना है और खाना पीना टाइम से करना है. अरे आरती, ये घर छोड़कर जा रहा है? अरे मीरा का पति उसका घर छोड़ के जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा है.
मीरा। अरे उनके घर की प्रॉब्लम को छोड़ अपने घर की प्रॉब्लम को देख आरती। हमारे घर की प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं, मीरा के प्रॉब्लम्स तो देखो क्या फेस कर रही है। उसकी सास ने मोतियों का दान किया होगा तब जाके ऐसी बहू मिली मीरा। डैड एक कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। कमर्शियल ब्रेक? माँ ये कर रही है और बेटा कमर्शियल ब्रेक? ए आरती कभी कभी ये चैनल भी देख लिया कर, बड़ा एंटरटेनिंग है ये देख। बहुत डिस्टर्बेंस है इधर, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ये हैं लकी नंबर 6, मिस 98213-37266। क्या हुआ? अब मैं और टीवी सीरियल नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हो तुम, घर घर में लोग तुम्हें देवी की तरह पूछते हैं और तुम? मैं घरों पे नहीं, दिलों पे राज करना चाहती हूँ, जवान दिलों की धड़कन बनना चाहती हूँ। आई एम अजीबा और इस टीवी सीरियल ने मुझे देवी बना दिया। क्या नहीं है तेरे पास आशिमा? आइटम सॉन्ग नहीं है, फिल्म पे अवार्ड नहीं है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस नहीं है, फॉरेन लोकेशंस नहीं है, पेट्री पार्टीज भी नहीं है, और हाँ नेहा कॉफी विद करण भी नहीं है। समझ रही है तू? बहुत दर्द है मेरी जिंदगी में, तुम नहीं समझ सकती। She is not ready. She is. You are not ready. Mukti, मैं तैयार हूँ. I'm ready. तुम ऐसे इन कपड़ों में पब्लिक प्लेस में इन कपड़ों में जाओगी? Don't you dare try to play with your image, or else I, Mukti Kapoor, I will ruin you. I'll. Get ready. Madam, phone. Go. नमस्ते मीरा जी। मीरा जी प्रणाम। मीरा देवी माँ, मैं तो सुनो किरो सब। निकाल पैसे, मैं बोल रहा हूँ। सर जी मैं पैसे कहाँ ले रहा हूँ? मेरी बैकलाइट तोड़ी है, निकाल पैसे। चड्डी तो आपने ठोकी है। अबे तूने ठोकी है? सर जी साइड आपने भी दी। निकाल पैसे। क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से सेठ जी के साथ हटते हो। चल सॉरी बोल और निकल यहाँ से। सॉरी जी। नहीं मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। पैसे निकाल। कितने पैसे हुए? 20,000। तो एक गरीब आदमी 20,000 रुपए कहाँ से देगा? हाँ जी हाँ। तुम दे दो, खड़े खड़े यहाँ पे लीडर बन रहे हो, 20,000 दोगे? 21 दूंगा। फड़ चलो चलो आप चलिए। हाँ, मैं आता हूँ। ए बॉस और कितना टाइम लगेगा? एक सेकंड जरा आपको सैंडविच खिलाओ। अरे नहीं खाना यार, सैंडविच पे सैंडविच खिलाया जा रहा है, दो खा चुका हूँ। एक सेकंड फोन आ गया, इंपॉर्टेंट फोन है। हेलो मिस्टर मित्तल, हाउ आर यू? व्हाई डू टेक टेंशन सर? यू डोंट टेक टेंशन मिस्टर मित्तल, आप अपनी स्टील कंपनी संभालिए, हम आपका स्ट्रेस संभालते हैं। मैंने ईमेल कर दिया है, आप तक पहुंच रहा होगा। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी, आप अभी लक्ष्मी मित्तल से बात कर रहे थे? या यू नो हिम, नाइस गाय। नहीं नहीं जानता तो नहीं हूं, बट नाम बहुत सुना उनका। आप बुरा ना माने तो एक बात बताएंगे? हाँ पूछिए। आप करते क्या हैं? मैं स्ट्रेस बस्टर कंपनी चलाता हूँ। कहाँ? आपके सामने या यहाँ? नो ऑफिस, वेस्टर्न टाइप का कंसेप्ट है, यहाँ के लोग ना उसको समझ सकते हैं ना अफोर्ड कर सकते हैं। ट्राई मी, शायद मैं अफोर्ड कर सकूं। आप मुझसे काम करवाएंगे? हाँ व्हाई नॉट। चलो इसी बहाने आपका आईक्यू चेक कर लेता हूँ। पिछले 10 सालों के अंदर इकोनॉमी बूम हुई है। पैदल चलने वाला आदमी मारुति में चल रहा है और मारुति वाला मर्सिडीज के अंदर। कदम कदम पर मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। चारों तरफ पैसा धरा का धरा हुआ है और दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है। आप भी स्ट्रेस से परेशान हैं, वरना 20,000 रुपए के लिए गरीब आदमी से क्यों भिड़ जाते? बल्कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। या तो आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, या तो
आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आप चाहते नहीं कि आपकी वाइफ को पता लगे। एनीवे, आप अपना गम अपनी तकलीफ किसी को बताना चाहते हैं मगर कोई सुनना नहीं चाहता, यही तो प्रॉब्लम है। लोगों के पास पैसे बहुत है मगर टाइम नहीं है, हर कोई दौड़ रहा है मगर पहुंचेगा कहां उसको पता ही नहीं है, हर कोई बोलना चाहता है मगर सुनने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में हम दुनिया के सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहां पर बैठे बैठे। दरअसल मैं अपनी आपकी अपनी सेक्रेटरी के जी अफेयर में फंस गया। इंटरेस्टिंग, मुझे डर है कि मेरी वाइफ को पता ना चल जाए। खुल के I love my wife and my family. इतने स्ट्रेस में इंसान समझ भी कैसे सकता है? इसके लिए आपको किसी और पर्सपेक्टिव की जरूरत है। एंड दैट्स माय जॉब। विल यू हेल्प मी सॉल्व माय प्रॉब्लम? कर सकता हूँ, यू कैन अफोर्ड मी। नो ट्राई मी, आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर योर फीस इज। आर यू या ओके, आप अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए और $5,000 डाल दीजिए। $5,000 मतलब 2,50,000 रुपया? जी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी, कम करके मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने तो कहा था आपसे कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नो आई एम पेइंग। अब ये समझ लीजिए कि इसी के साथ आपका जो स्ट्रेस है, मनी ट्रांसफर्ड। ऑलराइट, नाउ लिसन, आपकी जो सेक्रेटरी है जो भी है ये बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। आप उसके हाथों में अपॉर्चुनिटी थमा दीजिए और अपना हाथ छुड़ा लीजिए। अपने ऑफिस में एक हैंडसम एंड गुड लुकिंग यंगस्टर को नौकरी दे दीजिए, अपनी सेक्रेटरी को प्रमोशन दे दीजिए और दोनों को एक काम देकर किसी फॉरेन कंट्री में भेज दीजिए जो कि बहुत ही रोमांटिक हो। वहां उनका काम हो जाएगा या आपका काम हो जाएगा। यू आर अ जीनियस। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। जी बिल, एक्सक्यूज मी सर, बिल। अरे वेटर, अरे पेमेंट कर रहा हूँ ना मैं। नो आई एम पेइंग। वो जिद कर रहे हैं, ले लो। 5 मिनट्स, दैट्स टू मच। आई एम वेरी बिजी, आप जल्दी आइए। जी हाँ, टाइम नहीं है यहाँ पर। मिस्टर वाधवा, डोंट वरी अबाउट योर प्रॉब्लम। मिस्टर जय वालिया को भी एक लड़की इसी तरह से तंग कर रही थी, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। जी हाँ, मिस्टर जय वालिया वेरी क्लोज टू मी। आप वैसे बाद में भी आ सकते हैं, टाइम ही टाइम है मेरे पास। सर प्लीज, यस यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके गिव मी 2 मिनट्स, आई एम टॉकिंग सम क्लाइंट। वेरी वेल। ओके थैंक यू। सर दिस प्लेस इज बुक्ड फॉर मिस्टर जयवालिया। माय क्लाइंट एंड माय फ्रेंड। ओके यू टू बेबी। मिस्टर वालिया, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल एंड सक्सेस एंड हार्ट थ्रॉप ऑफ द ब्यूटीफुल रॉकिंग गर्ल्स। सर आपसे मुझे गुजारिश करनी थी, आप जरा साइड में आएंगे प्लीज। सर पता नहीं मैं आपकी तरह कब बनूंगा, लेकिन आज मेरी क्लाइंट के साथ मेरी पहली बार मीटिंग है और हम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सर उनके सामने मुझे एक बार हाय बॉबी बोल दीजिएगा, मेरी लाइफ बन जाएगी। डोंट वरी, थैंक यू सर, आई विल डू दैट। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर अ ब्राइट बॉय। थैंक यू सर। सर एक पप्पी मिलेगी। ये लोग किस लिए? सॉरी सर। बॉबी साहब जी, वालिया जी से मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज। मिस्टर वाधवा, मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग पे आया हूँ आपका इंट्रोडक्शन कराने के लिए नहीं। इस केस के लिए मैं 25,00,000 रुपए लूंगा। 25,00,000? 25,00,000 तो बहुत ज्यादा है। हाय बॉबी। मिस्टर वालिया, कांट यू सी दैट आई एम सिटिंग इन अ मीटिंग यार। छह छह लड़कियों के साथ बैठकर जलाते रहते हो, बी ए फ्रेंड यार। He's a naughty boy. अरे क्या हुआ आरती? मर गई। कौन मर गया? मेरी मीरा मर गई। मैडम खाने का क्या कर रहे, जल्दी बोलो। कमीनी कोमलिका, तुझे खाने की पड़ी है।
मैं खाना नहीं खाऊंगी। कोई खाना नहीं खाएगा, दो दिन तक इस घर में खाना नहीं बनेगा। मेरी देवी जैसी मीरा मर गई। हो गया, इट्स डन। आपकी प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, कुछ कीजिए ना प्लीज। आई वुड लव टू, आई मीन आई एंजॉय टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस आई सी इट इन राइट पर्सपेक्टिव। ओके, मगर उसके लिए आपको मुझे अपनी प्रॉब्लम खुल के बतानी पड़ेगी। अब बात ये है कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उन सबके पास बॉयफ्रेंड्स हैं, पर मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। कमाल की बात है, इतना अच्छा माल अभी तक गोडाउन में पड़ा हुआ है। जी आई मीन आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी को मिल जाए तो वो आदमी माला माल हो जाए। आर यू हैंगिंग अराउंड विद गेस? एक्सक्यूज मी, जरा फोन आ गया। हेलो, जायसवाल टेक्सटाइल कंपनी का मालिक किशन कुमार जायसवाल बोल रहा हूँ। टेल मी योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? आप करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं। भाई साहब, इस वक्त करोड़ों का माल मेरे सामने पड़ा हुआ है। मेरे सामने पड़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि मैं आपसे बात करूं? आई आप बाद में फोन लगाइए प्लीज। टेली मार्केटिंग वाले। मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, ऊपर वाले ने ब्रेक लगाया है। थैंक्स बड़ी। ओह गॉड, थैंक यू। माय एस इज स्टिल हर्टिंग यार। डिस्गस्टिंग। मी और माय एस? लिसन, आई डोंट लाइक दिस नॉनसेंस। ओके, डोंट फाइट, डोंट फाइट। गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ। डॉग। थैंक्स बॉबी। गले लगते ही सीधा हो गया। चलो साला। ब्रेक फेल नहीं हुआ था भैया, बस एकदम टनाटन है। बहुत जल्दी बस ठीक कर दिया लाला भाई। पहले किसी गैरेज में काम करते थे क्या? 70 खेल बसंतो खेले, हमें सिखावे चंदो। उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं नर है कि मादा। भला देखो कहाँ कहाँ तक नजर जाती है आपकी। आजकल तुझ पे नजर है मेरी। क्यों? ताड़ लिया था पहली नजर में। टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है। बिग बजट फिल्म में काम करोगी? हो सकता है। भरत भाई शाह का नाम सुना? फिल्म फाइनेंसर। अरे फाइनेंसर तुम्हारे लिए होंगे, मेरे तो बहुत खास दोस्त हैं और मेरे कहने में 25-50 करोड़ रुपए किसी भी आर्टिस्ट पे लगा देंगे। सच में? बस एक टेलीफोन पर एक ऑडिशन दे देना। मैं फिल्मों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ भी? इतना भी कुछ नहीं है। एनीवे, तो मैं फोन लगा देता हूँ, एक डायलॉग समझा देता हूँ तुमको। हाँ? वो डायलॉग उनको बोल देना। बिल्कुल, ऐसे ही करूंगी मैं। डायलॉग कुछ ऐसा होगा। हाँ? डैडी दर्द बहुत। डैडी वन मोर। डैडी डैडी और कुछ है कि नहीं? हाय बॉबी। हाय डैड, ये लीजिए अपनी होने वाली बहू से बात कीजिए। बहू जी तैयार हो गई। कराओ कराओ बात। डैड, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ। डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ,
प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर बहू। और मैं आपसे क्या कहूं? डैड, डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ? कमाल 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 काम कर दिया, इससे ज्यादा अच्छा मत करना और करना भी मत, होगा भी नहीं। रहने दो रहने दो रहने दो, इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना। हेलो बेटा, ये एक थी या चार थी? एक ही है। Thank you. नहीं करना नहीं है काम। नहीं करना है, तुम ही नहीं तो मेरे दर्द को समझा है।